नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा वन विभाग के कर्मचारियों ने लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दो ट्रकों में लोड कर ले जाई जा रही लकड़ी की सूचना डीएफओ को मिली थी। इस पर उन्होंने घेराबंदी कराकर जांच कराई तो इसमें फर्जी टीपी होना पाया गया। दोनों ट्रकों की लकड़ी जब्त करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई वन विभाग के चाकघाट वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा की गई। अनुपम शर्मा डीएफओ रीवा ने बताया कि शुक्रवार को वन रक्षक ने संदिग्धता के आधार पर लकड़ी का परिवहन करते दो ट्रकों को रोककर दस्तावेजों की जांच की तो पूरा मामला संदिग्ध मिला। वन अवरोध नाका चाकघाट पर ट्रकों को रोककर अन्य अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई। जांच के दौरान ट्रक चालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवहन अनुज्ञापत्र टीपी के अवलोकन से संदिग्धता और बढ़ी। तुरंत उत्तर प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर पुष्टि की गई, जिन्होंने स्पष्ट किया कि अनुज्ञापत्र पूर्णतः फर्जी है, जिसके बाद लकड़ियों से भरे दोनों ट्रक वन विभाग द्वारा जब्त किए गए। इनमें 65 टन लकड़ी लदी हुई पाई गई है। इन्हें प्रभागीय वन अधिकारी ओबरा उत्तर प्रदेश की ओर से टीपी जारी की गई थी। जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि यह फर्जी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश का साहिल उर्फ आकिब फर्जी टीपी बनाकर उपलब्ध कराता है। यह कहां रहता है इसका पता आरोपियों ने नहीं बताया है। उसके आदमी टीपी बनवाकर पहुंचाते हैं। इसके पहले ओबरा से ही बीते साल जुलाई में भी ऐसे ही फर्जी टीपी का एक मामला संज्ञान में आया था। मुख्य आरोपी निसार अली उर्फ हाजी निवासी यमुनानगर हरियाणा ने पूछताछ में वन विभाग के अधिकारियों को बताया है कि वह मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों, उत्तराखंड के रुड़की, यमुनानगर, हरियाणा, जयपुर सहित कई अन्य स्थानों पर भी लकड़ियां पहुंचाता है। इस काम में कई राज्यों में उसके गिरोह के सदस्य हैं। वन विभाग के अधिकारी अब इसका भी पता लगा रहे हैं कि इनके इस अवैध कारोबार में अन्य किसका सहयोग प्राप्त हो रहा है। उपवन मंडल अधिकारी पूजा नागले ने पूरे मामले में बताया कि एक ड्राइवर शाहरुख और सहायक शहजाद से पूछताछ में पता चला है कि अवैध परिवहन का सरगना निसार अली उर्फ हाजी है, जिसकी तत्कालीन लोकेशन शहडोल में पता चली है, जिस पर डीएफओ अनुपम शर्मा ने रीवा से गौरव सक्सेना के नेतृत्व में टीम शहडोल भेजी। शहडोल और रीवा वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से हाजी को पकड़ लिया गया है। हाजी को पूछताछ के लिए रीवा लाया गया है, जहां पर उसने अपने काम के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं। हर आरोपी से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि यह लकड़ी के अवैध परिवहन का एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो विभिन्न राज्यों से लकड़ियां काटकर फर्जी टीपी से उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचाते हैं। वन विभाग ने मुख्य आरोपी निसार अली के साथ ही शाहरुख, शहजाद, सुरजीत एवं निधान सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कहा है कि वह शहडोल जिले के पसघड़ी से लकड़ी लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। डीएफओ ने कहा कि इस कार्रवाई में शामिल वन विभाग की टीम के सदस्यों को 26 जनवरी के दिन सम्मानित किया जाएगा। जो इसमें साल प्रजाति की लकड़ियां हैं, जो विनिर्देश वन उपज है, लगभग एक हमारा ट्रेलर है 16 चक्के का और एक 14 चक्के का ट्रक है। एक ट्रक पंजाब पासिंग है, एक यूपी का है और अराउंड 65 टन्स का इनका वेट होगा। इसकी कीमत 20 से 25 लाख के आसपास होनी चाहिए। आज से 3 दिन पहले 16 तारीख को, 16 जनवरी को शाम को दो ट्रक हमारे चाकघाट नाके दरिया से गुजर रहे थे, जो कि यूपी और एमपी बॉर्डर के पास में पड़ता है। वहां पे संदिग्धता के आधार पे दो ट्रक्स को रोका गया था और उनसे आवश्यक दस्तावेज की मांग की गई थी। जब टीपी हमारे स्टाफ को प्रस्तुत की गई, जो स्टाफ थे वो फॉरेस्ट गार्ड है आनंद चतुर्वेदी जी, तो उन्हें काफी डाउट हुआ, संदिग्ध लगे,
उन्होंने तुरंत परिक्षेत्र अधिकारी राजकुमार यादव जी को संपर्क किया, जिन्होंने एसडीओ को और मुझे संपर्क किया। हमने तुरंत टीपी में जो दर्शित साइन थे या टीपी किसने जारी की थी, ये जारी की थी ओबरा डिवीजन सोनभद्र में जो यूपी में पड़ता है। हमने वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर से पता किया कि क्या ये टीपी आपके द्वारा ही जारी की गई है, क्या ये पूरा जेन्युइन है, सही है। तो उनके द्वारा तुरंत बताया गया कि टीपी बिल्कुल फर्जी है, उस तरह की ना तो टीपियां वहां से जारी होती हैं और ना ही जो अधिकारियों के साइन टीपी में दर्शक हैं वो उनके साइन हैं। तो जैसे ही ये पता चला, तुरंत हमने दोनों ट्रक्स के ड्राइवर्स और सहायक को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ चालू की। पूछताछ के अनुसार पूछताछ अगले दिन भी कंटिन्यू रही। उसमें पता चला कि जो एक मास्टरमाइंड है उनका नाम है निसार अली और फाजी। ये उस समय शहडोल में थे और मेनली लकड़ी का अवैध परिवहन यही करवाते हैं। हमने तुरंत यहाँ से टीम रवाना की परिक्षेत्र अधिकारी गौरव सक्सेना जी के नेतृत्व में और शहडोल पहुंच के शहडोल वन विभाग की टीम के साथ में उन्होंने उनसे मदद लेते हुए हाजी को दबोच लिया गया और हाजी को यहाँ पे पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ कल पूरे दिन रही थी और आज हाजी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।